तरुण कुमार तंडेली जी को अपनी शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि एक अपने नवीन कर्म क्षेत्र में पुनः पूरे मनोयोग के साथ ये एक नए प्रतिमान स्थापित करेंगे घर पे जाकर, और कुछ और अच्छा समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे, और समाज के साथ साथ जो भी लोग इनसे जुड़े हैं उनसे भी निरंतर बातचीत और उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे सहायक विकास अधिकारी कृषि भी श्री राम नयन मौर्य जी उपस्थित हैं। आज इनकी भी अधिवर्षता आयु पूर्ण हो गई है और ये भी आज रिटायर हो रहे हैं। इनके लिए भी मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं आगामी जीवन के लिए। इन्होंने भी पूर्ण मनोयोग से, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, और जो भी कार्य दिए गए इनको इन्होंने पूरी तत्परता से उसको निभाया है। बहुत ही अल्पकाल इनके साथ भी मेरा, चूंकि हम लोग अभी 8-9 महीने पहले ही यहाँ पोस्ट हुए, तो इस अवधि में जितने लोगों में आप दोनों लोगों ने भी हम लोग के साथ काम किया, और दोनों की ही जो कार्यशैली थी वो निर्विवादित रही है, बहुत ही सुकून भरी रही है, और बहुत ही जो भी कार्य दिया गया उस कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ इन लोगों के द्वारा संपादित किया गया। तो आगामी जीवन की, आगामी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांडिल्य जी से मैं अनुरोध करूंगा कि निरंतर हमारे संपर्क में भी बने रहेंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत जो है खराब है, कागज में तमाम जो है कमी बता रहे हैं, लेकिन जब हमने देखा परखा उस बात को कि लगा कि सबसे अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वह टाइम आती है कभी जीवन में, कभी किसी फाइल का कभी वो खुल सकती है, कभी भी जांच हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद, तो ही कागज बोलेगा जिस दिन जांच होगी, हम आप कोई रहे वहां चाहे न रहे, कागज वही बताएगा अगर उसमें कमी रहेगी कि आप पकड़े जाएंगे, आप बुला के वहां से भी आएंगे। जैसे पीछे आप भी देखे होंगे कि कई जो है बेचारे पुराने लोग आया और आपका चक्कर लगा रहे थे, कोई बनारस से आ रहा, कोई बिहार से आ रहा, लेकिन आना सबको पड़ रहा है, और वही कागज बोलता है जो आज हमको खराब लगा लेकिन आगे चल के ही लगा कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कि सभी इनके लिए हम यहाँ जो है उपस्थित दोनों खंड विकास अधिकारी महोदय लोगों से भी कहे थे कि आप इनसे एक बार काम करवा के देखिए, जब काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कागज के फाइल के कितने सजग प्राणी हैं। चाहे वो प्रधान भी अगर कोई नाराज होते, भले नाराज हो जाए, लेकिन उनसे ही अपना काम कागज वाला पूरा करवा देते हैं चाहे नहीं। इसलिए किसी को कोई कभी आपत्ति इनसे नहीं रही है, जो भी रहे हैं सभी लोग इनसे कभी अपने स्वार्थ में किसी का काम भी कभी नहीं रोके हैं, और वही आज जो है कि साहब कभी कोई जांच कभी कुछ इनको दी गई होगी खंड विकास अधिकारी महोदय से, इधर भी कोई नहीं नाराज है, और जिसके गांव में गए होंगे वो अभी नहीं कह सकता है कि हमारा जांच जो है सभी को काम भी होता है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आगे भी काम करते रहे, जिससे विकास खंड विकासनगर का नाम जो है जनपद में व्याप्त, इसका स्थान प्रदेश में लिया जाए, लोग प्रदेश में इसका नाम लें कि कोई विकास खंड विकासनगर जो है संतकबीर के जनपद में है। हमारा यही निवेदन आप लोगों से है बार बार, और ज्यादा कुछ ना कर मैं अपने बाड़ी डालता हूँ। बीच में आप लोगों ने मुझे ब्रेक दिया, और आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत होगी आप भी फोन करेंगे, मैं हाजिर होगा, किसी से ज्यादा कुछ